subscribe to his YouTube channel and press the bell icon so that you never miss any update. Today it is a special topic. Okay. And this is a research. It was done in the guidance of Mr. K. N. Rao. Because काफी सारी जगहों पर क्या है कि ये लिखा है कि ये करेगा वो करेगा ये करेगा but there was no surety कि ये business ही करेगा कि नौकरी करेगा. And this is the most common question to be asked from an astrologer. Most common. जितना भी youth आएगा उसके माँ बाप आएंगे वो आपसे यही प्रश्न पूछेंगे. अच्छा कुछ बिजनेसमैन भी आएंगे वो पूछेंगे नौकरी कर लूँ क्या. कुछ नौकरी वाले आएंगे वो तो पूछेंगे ही सबके बिजनेस कब करूँगा है ना. वो सबके मन में एक आकांक्षा बहुत 10% लोग ही ऐसे होंगे जो कि जिनके मन में कोई ऐसी आकांक्षा नहीं हो नौकरी कर रहे हो और बिजनेस नहीं करना हो कभी. ठीक है तो देर आर सर्टन पैरामीटर्स विच नीड टू बी फॉलोड. आई हैव ऑलरेडी मेंशनड इट बट आई विल एक्सप्लेन इट कि आप कैसे देखोगे कि वो व्यक्ति जिसकी हॉरोस्कोप आप देख रहे हो वो नौकरी करेगा कि बिजनेस करेगा. ठीक है तो बिजनेस करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है बताओ. एक आदमी के अंदर क्या क्या क्वालिटी की आवश्यकता होती है बिजनेस करने की. कॉन्सेंट्रेशन क्वालिफिकेशन बिजनेस के क्वालिफिकेशन कोई क्वालिफिकेशन नहीं मतलब रिस्क टेकिंग फार साइटेड विजन का मतलब कि प्रॉपर मेंटल एबिलिटीज और भाग्य नाइंथ हाउस कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है तो कोई आदमी बिजनेस करेगा या नौकरी करेगा इसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं. सबसे पहला पैरामीटर जो है वो है लग्न लग्नेश का पावर. बिकॉज लग्न ही रिसीवर है लग्नेश डूअर है. ठीक है तो बिजनेस करने के लिए आपको परसेवरेंस चाहिए आपको पेशेंस चाहिए आपके अंदर फाइटिंग स्किल होनी चाहिए आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए आपके अंदर विजन होना चाहिए आपको टीम वर्क आना चाहिए आप कम्युनिकेट प्रॉपर कर पाएँ. अच्छे बिजनेस की हम बात कर रहे हैं ना. फेलियर क्यों होते हैं वो भी समझेंगे. ठीक है ये सब चीज़ें जो एक नॉर्मल बिजनेसमैन के अंदर होती हैं अच्छे बिजनेसमैन के अंदर होती हैं ये सब चीज़ें चाहिए. तो ये सब चीज़ें कब आएंगी. ये सब चीज़ें तभी आ सकती हैं और उसी व्यक्ति में आ सकती हैं जिसका लग्न और लग्नेश प्रॉपर हो लग्न और लग्नेश स्ट्रांग हो. तो सबसे पहला एस्पेक्ट क्या हो गया लग्न लग्नेश का स्ट्रांग होना. ठीक है लग्न के ऊपर नेगेटिव एस्पेक्ट लग्नेश का 6-8-12 में जाना लग्न पे नेगेटिव एस्पेक्ट होना राहु केतु एक्सेस में होना या राहु केतु जरूरी नहीं हमेशा खराब करें बट ओवरऑल जो उसके लिए ठीक नहीं है लग्न के लिए वो सब चीज़ें उस व्यक्ति की मेंटल कैपेसिटी और फिजिकल कैपेसिटी को कम करती हैं. ठीक है तो व्हेन आई से लग्न लग्नेश आई एम सेइंग इट जन्म लग्न लग्नेश मून लग्न लग्नेश ऑल्सो. ठीक है जब भी ऐसा बोल रहे हैं तो चंद्रमा कॉमन ही आ रहा है. ठीक है तो उसकी ये कैपेसिटीज कब बढ़ेंगी जब ये दोनों जो स्थितियां हैं ये प्रॉपर हो सबसे पहले. ठीक है आइदर भी हो तो दोनों साथ में चलती है लग्न लग्नेश वो जो चीज है वो कॉमन रिजल्ट ही आएगा उसका बाहर कॉमन रिजल्ट ही आएगा. लग्न पे हो सकता है अच्छे एस्पेक्ट्स हो लग्नेश जाके नीच का हो गया. हाँ तो उसको हम एवरेजिंग करके बाहर निकालेंगे ना. ठीक है कि लग्न तो स्ट्रांग दिख रहा है तो लग्न और लग्नेश वीक दिख रहा है तो लग्नेश एफर्ट कम करेगा. ठीक है कोई ग्रह तो लॉट तो है ना और दूसरा कोई बैठा हो तो उसका मार्जिनलाइज करेंगे ना उसको. जैसे मान लो लग्न पे गुरु की दृष्टि है तो पॉजिटिव है. ठीक है लग्न शनि बैठे हैं तो कम करेंगे उसको राहु बैठे हैं तो उसको लग्न को कमज़ोर करेंगे ना. शारीरिक रूप से तो कमज़ोर करेंगे मानसिक रूप से तो कमज़ोर करेंगे. मान लो जो मेंटल पावर आपको गुरु देते हैं वो शनि तो नहीं देगा.
शनि आपको स्लो करेगा, आलसी करेगा, विच इज एन ऑब्स्टेकल टू डू बिग बिजनेस. ठीक है, तो पहली चीज क्या हो गई, लग्न लग्नेश का स्ट्रांग होना. दूसरा, चूंकि ये कर्म है इसलिए कर्म और मतलब दशम और दशमेश का स्ट्रांग होना. तो दशम और दशमेश जितने ज़्यादा अनटेंटेड होंगे, स्वराशि होंगे, उच्च के होंगे, अपने मित्र राशि में होंगे, केंद्र में होंगे, त्रिकोण में होंगे, राजयोग के अंदर होंगे, उतना कर्म उसका स्ट्रांग हो जाएगा. क्योंकि बिजनेस करने के लिए कर्म की भी आवश्यकता है, शरीर की भी आवश्यकता है, दिमाग की भी आवश्यकता है. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर हम जॉब को ये नहीं कर रहे हैं, डेनिग्रेट नहीं कर रहे हैं कि जॉब मतलब ये जो, बट हर व्यक्ति ना तो बिजनेस कर सकता है, जो बिजनेस कर सकता है वो जरूरी नहीं है कि वो जॉब अच्छी कर पाए, वो जॉब भी नहीं कर सकता. ठीक है, अगर मान लो उसमें लीडरशिप ज़्यादा ही है या सेल्फ एफर्ट ज़्यादा ही है तो वो जॉब नहीं कर सकता. दिस इज जस्ट अ कंपैरिजन कि कौन बिजनेस की तरफ जाए, जस्ट टू गाइड पीपल, कौन बिजनेस की तरफ जाए तो उसके लिए बेहतर रहेगा, कौन जॉब की तरफ जाए तो उसके लिए बेहतर होगा. ठीक है, और व्हेन आई एम सेइंग बिजनेस, इट इज़ अबाउट डूइंग गुड बिजनेस. और उसके कॉम्बिनेशन अलग हैं, जो बिजनेस खोलते हैं फिर लॉस हो जाता है, बिजनेस चलते नहीं है, छोटे छोटे बिजनेस हैं, वो कॉम्बिनेशन अलग है. अभी अपन जो एक बेसिक क्वेश्चन है उसको आंसर कर रहे हैं, क्या कौन बिजनेस करेगा, कौन जॉब करेगा. ठीक है, तो दशम दशमेश का, कर्म कर्मेश का, मतलब कर्मेश का, इन दोनों पे पॉजिटिव आस्पेक्ट, इनकी बैठक प्रॉपर जगह पर हो, ये दूसरा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है. ठीक है, तो लग्न लग्नेश दशम दशमेश शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. अब बेसिकली ये एक पैटर्न हो गया कि ये लग्न और लग्नेश, दशम और दशमेश, ये स्ट्रांग होने चाहिए. दूसरा, ये दो पोर्शन, ये जो दो हाउस हैं, ये सबसे ज़्यादा उपयोग में आ रहे हैं बिजनेस करने के लिए. ठीक है, लग्नेश और दशमेश. तो दूसरा जो प्रिंसिपल है, दूसरा जो सिद्धांत है, वो हम ये कहते हैं कि सेवंथ हाउस से 12वें घर तक, ठीक है, या फिर 10th हाउस से तीसरे घर तक. समझ आ रही? सातवें से 12वें घर तक या फिर 10वें से तीसरे घर तक, जितने अधिक प्लेनेट होंगे उतना उसका बिजनेस करने की कैपेसिटी बढ़ेगी. उसका कारण है, सातवें से 12वें तक के जितने भी घर होंगे, यहाँ पर जितने प्लेनेट होंगे, ये दशम को स्ट्रॉन्ग करते हैं. ठीक है, क्योंकि अपन ने सीखा ना, जैसे कि जो जिस घर के आगे के इमीडिएटली तीन घर के जो प्लेनेट होते हैं वो उस घर को पावर देते हैं, और दशम से तीसरे तक के लग्न को स्ट्रॉन्ग करते हैं. ठीक है, तो इन तो आपको आपको हॉरोस्कोप देख के समझ में आएगा कि ये कुंडली लेफ्ट हैंड साइड की है कि राइट हैंड साइड की है. ठीक है, तो राइट हैंड साइड की कुंडली मतलब कि द लग्न एंड टेंथ हाउस आर स्ट्रॉन्ग एंड अ लॉट ऑफ प्लैनेट्स आर फेवरिंग दैट हाउसेस, नॉट ओनली देयर ओन लॉर्ड्स बट अदर प्लैनेट्स आर एक्चुअली सपोर्टिंग दोस थिंग. ठीक है, तो ये एक आस्पेक्ट है. ठीक है, तो आप सबसे पहले देखोगे लग्न लग्नेश को, दशम दशमेश को देखा आपने कि इनकी स्थिति बेहतर दिख रही है, फिर आपने राइट हैंड साइड पर प्लैनेट्स को देखे. अगर आपको ऐसा याद नहीं रहे कि भाई सप्तम से 12वें तक और 12वें से, चाहे वो दशम को स्ट्रॉन्ग करें चाहे वो लग्न को स्ट्रॉन्ग करें, अपने लिए दोनों काम के हैं. तो अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई सप्तम से अगर 11वें तक में 5 प्लैनेट बैठे हैं, दैट विल ऑल्सो वर्क. तो कर्म का पक्का हो जाएगा वो. ठीक है, और अगर दशम से तीसरे तक बैठे हैं तो वो लग्नेश को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, तो मेंटल कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी, फिजिकल कैपेसिटी बढ़ जाएगी. ठीक है, तो ये दूसरा प्रिंसिपल. अब तीसरा प्रिंसिपल है इसके अंदर, दशम जो कर्म का स्थान है उस पर सूर्य चंद्र मंगल या राहु का इंप्रेशन. ठीक है, तो ये यहां पर वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं. राहु और मंगल स्पेशली दशम स्थान में आदमी को काम का पक्का बनाते हैं, क्यों, काम का भूत जिसे कहते हैं. तो राहु का इंप्रेशन, यानी कि जरूरी नहीं कि राहु बैठे वहां पर या मंगल बैठे, उनका दृष्टि सूर्य चंद्र मंगल राहु इनमें से किसी भी प्लेनेट की दशम या दशमेश पे दृष्टि या सेटिंग. दिस इज द थर्ड प्रिंसिपल. ठीक है, ठीक है, तीसरा प्रिंसिपल. अभी मैं प्रिंसिपल समझाता हूँ, देन वी विल टेक सम हॉरोस्कोप. जो आप बोलोगे कोई बिजनेस करता है, वी विल टेक सम हॉरोस्कोप. ठीक है, फिर चौथा प्रिंसिपल, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल. नौकरी हम किस घर से करते हैं?
सिक्स्थ हाउस वो नहीं लिखा गया भाई। हाँ पहले ये वाला बता देते हैं। हाँ लग्न में भी देखोगे तो समझ में आएंगे, लग्न में भी देखोगे तो समझ में आएगा। नवांश का बताऊंगा ठीक है। अच्छा अब कर्म का प्लेनेट कौन है? मंगल शनि शनि ठीक है, शनि कर्म का प्लेनेट है, इसलिए शनि की स्थिति सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये देखने के लिए कि आदमी नौकरी करेगा कि बिजनेस करेगा। अच्छा शनि ही नौकरी कराता है क्योंकि शनि इज सर्वेंट ठीक है, तो शनि ही नौकरी का कारक प्लेनेट है तो, और शनि कर्म का भी प्लेनेट है। तो अगर शनि कुंडली के अंदर स्वराशि हैं, उच्च के हैं, मित्र राशि के अंदर हैं और केंद्र में है या त्रिकोण में है, ऐसे शनि का अगर दशम या दशमेश पे प्रभाव हो तो वो बिजनेस की तरफ लेके जाएंगे। यानी कि पॉजिटिव शनि का अगर दशम पे प्रभाव होगा या दशमेश पे प्रभाव होगा या लग्न लग्नेश पे प्रभाव होगा तो वो बिजनेस की तरफ लेके जाएंगे। अगर शनि शत्रु राशि में हैं, अस्त हैं, नीच के हैं, क्या बचा ठीक है, या नहीं वक्री तो नहीं, नहीं वक्री नहीं वक्री ठीक है, या फिर शत्रु राशि में नीच के हैं या अस्त हैं ठीक है, और उनका संबंध 6, 8, 12 के लॉर्ड के साथ में या उनकी पोजीशन 6, 8, 12 के लॉर्ड के साथ में है, मतलब या तो शनि इज सिटिंग इनटू 6, 8, 12 और मे बी सिटिंग विद द 6, 8, 12 लॉर्ड और मे बी इट इज एस्पेक्टेड बाय 6, 8, 12 लॉर्ड। ऐसा शनि जब दशम दशमेश या लग्न लग्नेश को प्रभावित करेगा तो वो नौकरी कराएगा ठीक है। ठीक है ये बात समझ में आ गई, शनि का शनि की समझ में आ गई। अगर अगर शनि की पोजीशन ठीक नहीं है, ठीक नहीं स्पेसिफिकली, अगर अगर शनि नीच राशि के हैं, शत्रु राशि में हैं, अस्त हैं, 6, 8, 12 में हैं, 6, 8, 12 के लॉर्ड के साथ में उनको देखते हैं ठीक है, ऐसा शनि जब लग्न लग्नेश या दशम दशमेश को प्रभावित करेगा तो वो मतलब कर्म का लॉर्ड होकर नेगेटिव हो गया, नौकरी का लॉर्ड होकर नेगेटिव हो गया, वो नौकरी कराएगा ठीक है। बात समझ में आ गई। अब नौकरी किस हाउस से होती है? सिक्स हाउस से ठीक है, और बिजनेस किस हाउस से होगा? लग्न से, सेल्फ बिजनेस ठीक है। तो सिक्स हाउस का लॉर्ड लग्न या लग्न के लॉर्ड में से जो स्ट्रांग होगा उसकी तरफ जातक जाएगा। इफ द सिक्स हाउस लॉर्ड इज स्ट्रॉन्गर देन लग्न लग्नेश देन ही विल डू जॉब। इसी प्रिंसिपल के अंदर है ये भी, हम अप्लाई करेंगे उसमें शनि के प्रिंसिपल के बाद ये नेक्स्ट प्रिंसिपल है ठीक है। शनि का प्रिंसिपल देख लिया हमने। अब छठा स्थान का लॉर्ड, चूंकि नौकरी छठे स्थान से होती है, बिजनेस लग्न से, लग्नेश की पावर है बिजनेस चालू करेगा तो है ना, या उसको रन करेगा तो छठे स्थान का लॉर्ड अगर या सिक्स हाउस लग्न लग्नेश से स्ट्रांग हो तो बिजनेस करेगा, अगर लग्न लग्नेश सिक्स हाउस के लॉर्ड से स्ट्रांग हो तो सिक्स हाउस लॉर्ड इफ इट इज स्ट्रांगर ही विल डू जॉब ठीक है, और सिक्स हाउस लग्न लग्नेश इफ दे आर स्ट्रांगर दे विल टेक हिम टू बिजनेस ठीक है। दिस इज द नेक्स्ट प्रिंसिपल। कौन कौन से प्रिंसिपल हो गए? पहला लग्न लग्नेश दशम दशमेश का प्रभाव, सेकंड राइट हैंड साइड पर कितने प्लैनेट हैं, सेवंथ हाउस से ट्वेल्थ हाउस दशम से तृतीय में कितने प्लैनेट हैं, सूर्य चंद्र मंगल राहु का दशम पर प्रभाव या दशमेश पर प्रभाव, फिर शनि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ऐसे शनि का दशम दशमेश लग्न लग्नेश पर प्रभाव ठीक है, और पांचवा प्रिंसिपल सिक्स हाउस या टेंथ लग्न लग्नेश में कौन स्ट्रांगर है, अगर सिक्स हाउस स्ट्रांगर होगा तो नौकरी करेंगे और अगर दश लग्नेश स्ट्रांग होंगे तो बिजनेस करेंगे ठीक है। ये प्रिंसिपल। अब भले आजकल समय बदल गया हो,
लेकिन जो पैसा है वो बिजनेस से कमाया जा सकता है, वो नौकरी से कमाना मुश्किल है. ठीक है, पहले आजकल काफ़ी चेंज हो गया है. फिर भी जिसकी कुंडली के अंदर धनयोग अच्छे होंगे, राजयोग अच्छे होंगे, वो ज़्यादा बिजनेस बिजनेस की तरफ जाएगा. जिसकी कुंडली के अंदर धनयोग कम होंगे वो नौकरी की तरफ जाएगा. ठीक है, दूसरे एस्पेक्ट में हम देख सकते हैं जिसपे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होंगी, जो धनयोग ज़्यादा होंगे तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने लगेगी, है ना, वो बिजनेस की तरफ जाएगा. जिस पर सिंगल सोर्स मतलब एक ही कोई धनयोग है, सिंगल सोर्स, ठीक है, तो वो जॉब की तरफ जाएगा. अगेन राजयोग, राजयोग गिव्स यू कंफर्ट इन योर लाइफ एंड इट मेक्स योर लाइफ इजी. सो यू हैव टू सी राजयोग धनयोग बोथ इन द हॉरोस्कोप. ठीक है, एंड राजयोग को देखेंगे, धनयोग को देखेंगे. अगर उसकी कुंडली के अंदर अच्छे धनयोग है, अच्छे राजयोग हैं, तो वो बिजनेस की तरफ जाएगा. कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पैसा आदमी कमाता है नौकरी में रहकर भी, सरकारी नौकरी में या प्राइवेट नौकरी में भी, तो उसके धनयोग राजयोग अच्छे होते हैं, लेकिन उसका शनि वो दशम को प्रभावित कर रहा होता है, या सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग होता है लग्न लगने से, इसलिए वह नौकरी करता है, पैसा बहुत कमाता है, पैसा बहुत कमाता है, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन से भी ज़्यादा पैसा कमा लेता है. अभी अधिकारी हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, या प्राइवेट नौकरी में भी आज की डेट में इतना पैसा मिलता है कि इतना कई बिजनेसेस में नहीं मिलता. तो वो किस तरीके का होगा, उसका धनयोग राजयोग अच्छे होंगे, बट शनि दशम को प्रभाव, जो शनि नेगेटिव शनि दशम को प्रभावित कर रहे होंगे, या सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड स्ट्रांगर होगा, या राइट हैंड साइड में कम प्लैनेट होंगे, कुंडली में ताकत लग्नेश की ताकत या दशमेश की ताकत कम हो. ठीक है, तो दैट यू हैव टू चेक. एंड देन लास्ट इज दशा सीक्वेंस. कि कई बार सिक्स हाउस का, काफ़ी सारी कुंडली आपको ऐसी मिलेंगी, काफ़ी सारी कुंडली ऐसी होती हैं जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं. जैसे मैंने भी कुछ समय के लिए नौकरी की, फिर बिजनेस किया. काफ़ी सारे लोग जो है 20-20 साल नौकरी करते हैं, फिर बिजनेस चालू करते हैं, उनका बिजनेस क्लिक भी करता है ना. काफ़ी सारे लोग 10-10-15-15 साल बिजनेस करते हैं, फिर नौकरी करने लगते हैं, तो बिजनेस नौकरी में सेट हो जाते हैं. ठीक है, तो फॉर दैट कि वो ये काम कब करेगा नहीं करेगा, फॉर दैट यू हैव टू सी द दशा. तो दशा का सीक्वेंस देना देखना पड़ेगा. तो इस तरीके के लोगों में क्या रहेगा कि उसमें कुछ प्रिंसिपल्स अपने अप्लाई हो रहे होंगे बिजनेस होने के, कुछ प्रिंसिपल अप्लाई हो रहे होंगे जॉब होने के. तो जब जॉब से संबंधित महादशा अंतरदशा चल रही होगी तो वो जॉब करेगा, वो जब महादशा अंतरदशा पूरी हो जाएगी उसके बाद वो बिजनेस करने लगेगा. उसको रिवार्ड किस तरीके से मिलेगा, उसका धनयोग के रेशो में उसको रिवार्ड मिलेगा. ठीक है, तो ये मोटे मोटे 6 से 7 पैरामीटर हैं जिससे आप ये पता लगाओगे कि ये व्यक्ति नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा. देखो शनि नौकरी है, ठीक है, देखो शनि इज सर्वेंट. दूसरा शनि जो है वो कर्म है, कर्म का प्लेनेट शनि है. तो फॉर जजिंग एनी कर्म, कर्म किस तरीके का होगा, वी हैव टू सी शनि. शनि तो हमें देखने ही पड़ेंगे. ठीक है, तो अब शनि तो आदमी को राजा भी बनाते हैं, उसको सबसे इस दुनिया के अंदर सबने जिसने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए, मैं हमेशा बोलता हूँ शनि से ही कमाए. धीरू भाई अंबानी ने क्या किया, पेट्रोल बेचा. बिरलाज ने क्या किया, बॉक्साइड एल्यूमिनियम बेचा. टाटा क्या करता है, स्टील बेच के बड़ा हुआ. एग्जॉन मोबाइल क्या करती है, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ऑयल कंपनीज हैं, सबसे ज़्यादा पैसा उन्हीं के पास है. सब हथियार शनि है, हथियार लॉबी में सबसे ज़्यादा पैसे हैं. ठीक है, तो जिन्होंने पैसा, अटूट पैसा कमाया, उन्होंने शनि से कमाया. तो शनि तो फिर बहुत बड़ा बिजनेस भी कर सकते हैं. तो कौन सा शनि बिजनेस करेगा, कौन सा शनि नौकरी कराएगा, दैट वी हैव टू सी. तो उसका प्रिंसिपल क्या है, अगर शनि उच्च के हैं, स्वराशि हैं, पितृ राशि में है, केंद्र में है और त्रिकोण में है, केम त्रिकोण में, राजयोग धनयोग में, ऐसा शनि जब दशम दशमेश या लग्न लग्नेश को प्रभावित करेगा तो वो बिजनेस कराएगा. और अगर शनि 6-8-12 में है, नीच राशि में है, अस्त है, शत्रु राशि के अंदर है, ऐसा या उनके लॉर्ड 6-8-12 के लॉर्ड के साथ में है या एस्पेक्टेड है उससे, ऐसा शनि जब दशम दशमेश या लग्न लग्नेश को प्रभावित करेगा तो वो जॉब कराएगा. ठीक है, या तो लग्न कुंडली में या नवांश कुंडली में या दशमांश कुंडली में. ठीक है, नाउ जो आप कह रहे थे,
ये जो स्कोप है, ये स्कोप अगर लग्न कुंडली के अंदर हायर है और नवांश में जाकर कमजोर हो जा रहा है तो उसका रिजल्ट कम मिलेगा, या D10 के अंदर दशमांश कुंडली के अंदर जाकर कमजोर, मतलब लग्न कुंडली के अंदर हो सकता है चार प्रिंसिपल लग रहे हो हमारे, दशमांश कुंडली के अंदर दो ही प्रिंसिपल बिजनेस के लग रहे हो, चार नौकरी के लग रहे हो नवांश कुंडली के अंदर, तो ये मिक्स रिजल्ट आएगा, वो जो लग्न कुंडली से प्रभाव दिखेगा वो प्रभाव मिलेगा नहीं, ठीक है, लग्न कुंडली से वो प्रभाव दिख रहा है बट वो मिलेगा नहीं। ये प्रभाव पूरी तरीके से तभी मिलेगा जब ये तीनों कुंडली के अंदर फॉलो होगा पैटर्न, लग्न कुंडली में, नवांश कुंडली में और दशमांश कुंडली के अंदर, ठीक है। वो तो वी हैव टू सी द एंटायर थ्री हॉरोस्कोप, ऑल्दो यू कैन ईजिली जज, आप जज कर सकते हो लग्न कुंडली अकेला देखकर, बट परफेक्ट रिजल्ट के लिए आपको नवांश और दशमांश देखना होगा, है ना। तो ये प्रिंसिपल है, ठीक है। अब क्या करें, किसी कुंडली बनाए, पहले उसकी बनाएंगे जो ऑलरेडी कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हूँ। आपकी बनाऊँ? चलो बनाओ, अभी चलो लग्न पे कर लेते हैं ना, अगर इसमें कर रहे हैं तो फिर मैं दशम। चलो ये कार्ड देना जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इंदौर शहर के अंदर 100 में से 99 एस्ट्रोलॉजर को ये नहीं निकाल रहा था, ठीक है। नहीं नहीं, आज जो चीज़ बता रहा हूँ, 100 में से 99 एस्ट्रोलॉजर ठोक के ये नहीं कह सकते कि ये बिजनेस करेगा कि नौकरी करेगा, जो आप कह पाओगे, क्योंकि वो लोग रिसर्च नहीं पढ़ते। गुरु कहाँ है? गुरु के साथ नहीं, केतु गुरु आपके यहाँ है, इसका नाम है यार सौरभ जी, क्यों नाक कटवा रहे हो यार, यहाँ पर बुद्ध है, ठीक है। पहला प्रिंसिपल, लग्न लग्नेश का स्ट्रांग होना, ठीक है। लग्न पर कोई इम्प्रेशन नहीं है, लग्न पर एक इम्प्रेशन है मंगल का, चंद्रमा का है आपका, ठीक है। तो लग्न पे एक इम्प्रेशन है मंगल का, जो इस कुंडली के अंदर योग कारक है, ठीक। तो लग्न ठीक लग रही है, लग्नेश केंद्र में है, लग्नेश 6-8-12 में नहीं है, ये 7th हाउस के लॉर्ड शनि के साथ में, 6th हाउस का लॉर्ड भी है, ये थोड़ा सा इसको नेगेटिव करेगा, बट इट इज़ विद गुरु बुद्ध, दो पॉजिटिव प्लैनेट इसको देख रहे हैं, ठीक है। यानी कि लग्न लग्नेश ठीक है, दशम पे ऑलरेडी 4 प्लेनेट की दृष्टि है, ठीक है, और दशमेश खुद 9th हाउस में है राजयोग कारक होकर, यानी कि लग्न लग्नेश दशम दशमेश ठीक है। पूरे प्लेनेट में से 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लेनेट राइट एंड पे हैं, 9 में से, सेकंड प्रिंसिपल। सेवन टू ट्वेल्व, 10 to 3, ठीक है। अब आपको देखना हो तो ये सप्तम से दशम के बीच में ही 4 प्लेनेट आ रहे हैं, मतलब आदमी काम का पक्का है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आप ये भी जज कर सकते हो कि ये प्लान अच्छा करेगा कि काम अच्छा करेगा, तो प्लान लग्न से करेगा, काम दशम से करेगा, तो वो आपको कॉन्सेंट्रेशन समझ में आ रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे, दशम पे, ठीक है। तो ये सेकंड प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। तीसरा प्रिंसिपल, दशम स्थान पर सूर्य चंद्र मंगल राहु का प्रभाव, या दशमेश पर सूर्य चंद्र मंगल राहु का प्रभाव, सूर्य यहाँ बैठे, ठीक है, मंगल की दृष्टि शुक्र पे दशमेश पे,
हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है, हो गया। इधर कोई भी एक है ना, दो का हो रहा है आपको, समझ में आ गया? सूर्य का भी प्रभाव है और टेंथ हाउस के लॉर्ड पे मंगल का प्रभाव है, ठीक है, विच इज गिविंग द फ्यूल, फ्यूल देते हैं, ठीक है। और अगला प्रिंसिपल क्या था? शनि, तो शनि केंद्र कोण में हो, मित्र राशि में हो, 6-8-12 के लॉर्ड के साथ में ना हो या 6-8-12 में नहीं हो, वो शनि जब दशम दशमेश लग्न लग्नेश को प्रभावित करेगा तो बिजनेस कराएगा। तो ये शनि क्या है? लग्नेश के साथ, लाभेश के साथ, ठीक है, इसको 8th हाउस का लॉर्ड देखता है, ये एक नेगेटिव है मात्र इसके साथ, ठीक है। शनि की पोजीशन, आपने कभी नौकरी की? पार्ट टाइम, ठीक है, केवल इस कारण, ठीक है, कर ही नहीं पाए। तो ये शनि ने केवल, ये शनि को 8th हाउस का लॉर्ड ने एक बार देख लिया है गुरु ने, इसलिए ये लाइफ में कभी ना कभी नौकरी कराएगा, बट इसके साथ बाकी जगह पर पॉजिटिव ग्रह के लॉर्ड है, एक तो लग्नेश ही है, ठीक है, और कौन है? लाभेश धनेश है, ठीक है। तो ये गुरु, और गुरु भी पंचमेश है, अष्टमेश है, तो शनि पॉजिटिव है इस कुंडली के अंदर कर्म के लिए, इसलिए वो अपना व्यापार कराएगा, ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ रही है यहाँ तक? सर शनि जैसे 6th हाउस लॉर्ड भी है तो फिर? यहाँ पर शनि की लॉर्डशिप की बात नहीं हो रही, शनि एज ए प्लेनेट की बात हो रही है। हमने क्या बोला? शनि कर्म का प्लेनेट है, वो सबके लिए, ठीक है। इनकी कुंडली के अंदर भले वो 6-7 का लॉर्ड हो, मैंने क्या बोला, हमेशा एक प्लेनेट का बेसिक रोल है, एक इस कुंडली के अंदर रोल है, तो बेसिक रोल शनि कर्म का प्लेनेट सबके लिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम? धनयोग राजयोग, ठीक है, लाभ स्थान धन स्थान का लॉर्ड केंद्र में है, राजयोग में, धनयोग में, सब है, ठीक। अब क्या बचा? ट्रांजिट, दशा, ठीक है। दशा कौन सी चल रही है? शनि की चल रही है, देखो। और आपने बिजनेस कब चालू किया? 97 पास आउट हुआ, 97। तो बुध की महादशा में बिजनेस चालू किया, जो लाभ स्थान धन स्थान का लॉर्ड होकर दशम, गुरु की महादशा में, ठीक है, जो पंचमेश होकर दशम को देखता है। स्टार्टिंग में जॉब भी कराई होगी, गुरु ने स्टार्टिंग में जॉब कराई होगी ना, ठीक है। तो वो आगे कब करेगा, क्या करेगा, वो जब पंचमेश का संबंध दशम से हो, ये समझ लो, ये प्रिंसिपल है। पंचम इज वॉट? शिक्षा, दशम इज कर्म। पंचमेश का संबंध जब दशम से हो, तभी आदमी सेल्फ एम्प्लॉयड बनता है। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब समबडी हु वर्क्स इन द डोमेन इन विच ही स्टडीज। ठीक है, और लगा लो कोई कुंडली है? तो ये प्रिंसिपल जब अपन आगे फॉलो करेंगे, आपको नवांश में भी दिखेंगे, ठीक है, इनका हॉरोस्कोप के अंदर नवांश में भी दिखेगा आपको, और D10 में भी दिखेगा। अब उसके हिसाब से वो नवांश में और D10 में कितना स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, जैसे इसमें मैक्सिमम हमारी कंडीशंस मैच हो गई हैं इस काम के अंदर, ठीक है। उसमें एक दो कंडीशन जैमिनी एस्ट्रोलॉजी की भी होती है, बट वो अभी आपको आती नहीं, इसलिए मैंने लगाई नहीं, ठीक है। इसमें मैक्सिमम कंडीशंस हमारी मैच हो गई हैं, तो इस हॉरोस्कोप को, अकेला लग्न हॉरोस्कोप को देखकर हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति बिजनेस करेगा, ठीक है। जब हम नवांश में और दशमांश में जाएंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कितना बड़ा बिजनेस करेगा, ठीक है। तो इस हॉरोस्कोप को देख के तो ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा बिजनेस करेगा, बट बिजनेस इतना बड़ा नहीं है। तो जब आप नवांश और दशमांश चेक करोगे, तो उसमें पैरामीटर्स कम होते चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको उसका एक्चुअल स्ट्रेंथ आपसे पूछेगा वो व्यक्ति कि साहब मैं कितना, मतलब इस कुंडली की हैसियत कितनी है, ऐसा पूछेगा वो आपसे, तो आप उसका एक आकलन हो जाएगा। बट उसके लाइफ में कंफर्ट क्यों रहेगा? क्योंकि मैक्सिमम प्लैनेट केंद्र कोण में राजयोग में है, ठीक है, तो वो अपने काम में सुखी रहेगा,
ठीक, समझ में आ रही है कि ये कहानी? देखो तीनों कुंडली देखने आ, सेम तीनों कुंडली देखना मतलब कोई एफर्ट नहीं है, ये कंपलसरी है, करना ही है, दिस इज नॉट एन एफर्ट। यहां पे बना दूं क्या? बताओ भाई किसकी थे? 6 मार्च। बिजनेस करते होना चाहिए। सुबह के चलो आप लगाओ प्रिंसिपल नंबर 1 लगा। प्रिंसिपल नंबर 1 इज लग्न लग्नेश दशम दशमेश की स्थिति। तो देखो पहले वेयर इज मंगल, ठीक है, लाभ स्थान में सेफ है, ठीक है, इट इज विथ 7th house lord, 5th house lord एंड 4th house lord, ठीक है, तो वेरी गुड। अच्छा हंसते हैं काफी सारे, ठीक है, तो लग्न ठीक है, लग्नेश ठीक है, ठीक है, लग्न पे कोई इंप्रेशन नहीं है, है क्या कोई इंप्रेशन? नहीं है लग्न पे कोई इंप्रेशन नहीं है। हाँ वक्री है तो गुरु का इंप्रेशन है, दैट इज फाइन, ठीक है, इनफैक्ट दैट इज गुड, सो इट विल गिव यू, गिव हिम द इंटेलेक्ट, है ना, बुद्धि देंगे उसको। और जो दशमेश शनि है वो गुरु के साथ है, दशम में बुध केतु है, ठीक है, तो दशमेश इज ओके, लग्नेश इज स्ट्रांग, ही हैज स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस, इसने चालू किया कि इसके पिताजी का है, खुद का, समझ में आया क्यों? ठीक है, हाँ। दूसरा प्रिंसिपल राइट हैंड साइड पे सब प्लैनेट, 6 प्लैनेट दिख रहे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल नंबर 3 सूर्य चंद्र मंगल राहु का दशम दशमेश लगन लग्नेश पे प्रभाव, ठीक है, तो राहु राहु चतुर्दशम में ही है, राहु केतु एक्सिस में ही है दशम, और सूर्य और चंद्र के साथ में ही है मंगल, मंगल खुद ही लग्नेश और सूर्य चंद्र के साथ में, दैट स्थिति इज ऑल्सो फुलफिलिंग। नेक्स्ट इज वॉट? शनि, तो शनि इज विथ 9th house lord इन द 6th house, ठीक है, और कहाँ है? छठे स्थान के अंदर बुध की राशि में, ठीक है। अब तो ये नौकरी करना चाहिए इस हिसाब से, करी नौकरी, फिर बिजनेस क्यों किया इतना तेज? शनि का एक्सचेंज है इस कुंडली में बुध से, ठीक है, तो आइडियली शनि इज व्हाट? शनि इज स्वराशि, देन दिख रहा है आपको सौरभ जी, शनि का एक्सचेंज शनि बुध की राशि में है, बुध शनि की राशि में। मतलब आप मेरे घर में, मैं आपके घर में, तो बराबर हो गई ना बात, मैं क्या करूँगा आपको डैमेज, आपके घर को अच्छे से रखूँगा, मुझे पता है आप मेरे घर को अच्छे से रखोगे, मैं आपके घर के रखूँगा, ठीक है। तो ये शनि जब इस महादशा में ही, अभी शनि की महादशा इनको ख़त्म हो रही है 1999 से लगी, ठीक है, तब इसने नौकरी कराई होगी इनको, ठीक है, उसके बाद फिर जब धनयोग राजयोग में से किसी प्लेनेट का लगा होगा तो फिर बिजनेस, क्लियर है यहाँ पर? तो आपको वो भी स्थिति, शनि के शनि में इन्होंने अपने जॉब भी करी और बिजनेस करा, हाँ, क्योंकि शनि दशम का भी तो लॉर्ड है, लाभ का भी तो लॉर्ड है, शनि दशम और लाभ का भी तो लॉर्ड है ना, इसी महादशा में दोनों चीज हुई है, हाँ, तो हम उसी
हाँ, क्योंकि शनि जब, जैसे मान लो शनि में शनि लगा तो इस समय सिक्स्थ का इम्प्रेशन ज़्यादा है, तो उस समय नौकरी करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन रही है। इन्होंने इनिशियल फेज में की होगी नौकरी, है ना, जब इनका कितना है ये 81 बॉर्न है ना, तो मेरे ऑलमोस्ट 3 साल मेरे से छोटे हैं, मतलब 37 ईयर्स के, 37 ईयर्स के हैं, तो 1999 में कितने, 81 से कितने हो गए, 1997 में, अठारह साल के तो पढ़ ही रहे होंगे, ये देखो ये शनि में जो बुध है ना, 2002 से 2004 के बीच में इन्होंने नौकरी की होगी, क्योंकि धंधा चार और पांच के बाद, ठीक है, क्योंकि बुध सिक्स था उसका लॉर्ड है, शनि सिक्स में ही है, ठीक है, क्लियर है, बुध सिक्स था उसका लॉर्ड है, शनि सिक्स में ही है, मतलब ये टाइम नौकरी का है, शनि में बुध 2002 से 2004 के बीच में कंफर्म विद है, ठीक है, इस समय किया होगा मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ऑलमोस्ट अप्लाई हो रहा है, आपको ये भी समझ में आ रहा है इससे कि आदमी नौकरी भी करेगा और बिजनेस भी करेगा, नौकरी कब करेगा बिजनेस कब करेगा, नौकरी और बिजनेस दोनों के जब कॉम्बिनेशन शनि के द्वारा आपको मिलेंगे तो आपको सिक्स हाउस को देखना है, सिक्स हाउस की महादशा अंतरदशा में वो नौकरी करेगा जनरली, ठीक है। ये प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो हो गया, उसके बाद कौन सा प्रिंसिपल है, शनि के बाद कौन सा प्रिंसिपल है, धनयोग राजयोग, ठीक है, और लग्नेश बली है कि सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड बली है, तो सिक्स्थ हाउस लग्नेश बली है, क्लियरली दिख रहा है, सिक्स्थ हाउस पे तो शनि खुद ही बैठे हैं, बारहवें स्थान का लॉर्ड गुरु बैठे हैं, ठीक है, और लग्ने सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड भी राहु केतु एक्सिस में, तो सिक्स्थ हाउस कंपैरेटिवली वीक है, और लग्न लग्नेश लाभ में ही बैठे हुए हैं, सूर्य चंद्र और शुक्र के साथ, ठीक है, हाँ, लग्नेश यहाँ पे अस्त है जैसे, हाँ, हाँ तो थोड़ा कमजोर होगा, बट अगर मैं दोनों को कंपैरेटिव कर रहा हूँ सिक्स हाउस और लग्नेश, तो सिक्स हाउस जो है वो कम बैठ रहा है ना, मतलब नेगेटिव हो रहा है ना सिक्स हाउस, जो इन दोनों में से जो हाउस स्ट्रांग होगा उसके प्रति डिजायर होगी उसकी, अच्छा, नौकरी हावी है उसके दिमाग पे कि बिजनेस हावी है, ये उस प्लेनेट की उसकी स्ट्रांगनेस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सिक्स हाउस और लग्नेश लग्नेश में से लग्नेश स्ट्रांग है। अब अगर अपन धनयोग राजयोग की बात करें तो सेकंड हाउस का लॉर्ड शुक्र 11वें स्थान में विथ लग्नेश विथ फिफ्थ हाउस लॉर्ड एंड फोर्थ हाउस लॉर्ड, सो इट इज ए स्ट्रांग धनयोग, ठीक है। 11वें स्थान का लॉर्ड जो लाभ स्थान का लॉर्ड है गुरु शनि, दैट इज इन द सिक्स हाउस बट इट इज विद द 9th हाउस लॉर्ड, ठीक है। क्या काम करते हैं इनका मेन तो टावर्स का बिजनेस था, अभी बहुत मोबाइलिटीबल हो गया, अभी ये जियो के वो सब बनाए हैं ऑफिसेस सारे, काफी सारी चीज, ठीक है, मतलब ये टेलीकॉम इसका है, हाँ वो दिख रहा था दशम में बुध केतु, समझ में आई ये कहानी, ठीक है। देन महादशा अंतरदशा, अब महादशा अंतरदशा में अभी शनि लगे हैं, उसके बाद फिर बुध लगेंगे, ठीक है, तो बुध में हो सकता है कुछ झटका एक मिलेगा, एक्सचेंज में है वो दशम के साथ में, इसलिए नेगेटिव नहीं कर सकता, ही हैज टू प्ले द जॉब ऑफ 10th हाउस ऑल्सो, 2018 में लगेंगे, ठीक है। अब इसको अपन दूसरी कुंडली में देख सकते हैं क्या, नवांश कुंडली में, तो नवांश कुंडली का लग्नेश मंगल 8th हाउस में, राहु केतु एक्सिस में, और लग्न नवांश कुंडली के अंदर लग्न पर गुरु और शनि की दृष्टि, तो नवांश कुंडली का लग्न और लग्नेश कंपैरेटिवली वीक है जन्म कुंडली से, तो यहाँ जो माहौल दिख रहा है वहाँ कम हो रहा है। अगर यहाँ का ये माहौल रिपीट होता तो ये 11वें स्थान में चार प्लेनेट, ठीक है, लग्नेश खुद 11वें स्थान में और इतना प्रबल राजयोग में, ये 1500 करोड़ से ऊपर की दुकान होती, ठीक है, बट इतना होगा नहीं, क्योंकि अब ये दिख रही है समझ में कि क्यों नहीं होगा, ये नवांश कुंडली का लग्नेश कमजोर है,
मतलब लग्नेश ऊपर से जितना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है वो अच्छा अंदर नहीं है, उनका स्वभाव यही इधर वाला, इधर वाला लग्न वाला, एम उनका वैसे ही है। तो एम तो लग्न करेगा ही ना, पर एम अचीव होगा कि नहीं होगा वो उसके लिए नीचे उतरना पड़ेगा ना अपने को। तो ऐसा नहीं है कि इसके कोई पैसे की कमी रहेगी, बट ये जो कुंडली यहाँ पर कैसी प्रॉमिस कर रही है कि इट इज 100% डिवोटेड पर्सन टू हिज कर्म, फुल्ली डेडिकेटेड टू द इनकम, केवल पैसा कमाना जीवन में और कोई काम नहीं, इस तरीके का हॉरोस्कोप दिख रहा है, ठीक है। बट वो क्वांटम कितना होगा, वो 10,000 करोड़ होगा, 5 करोड़ होगा, 25 करोड़ होगा, 50,000 करोड़ होगा, वो वॉल्यूम हमें यहाँ पर दिखेगा। तो नवांश कुंडली के अंदर जो है लग्नेश और लग्न कमजोर है, ठीक है, लेकिन नवांश कुंडली के अंदर दशमेश उच्च के हैं, ठीक है, और दशम स्थान पर शुक्र की भी दृष्टि है। तो दशम स्ट्रांग है, लग्न कमजोर है नवांश कुंडली का, ठीक है। और आगे बढ़ो, सेकंड प्लैनेट आपके आ गए 2, 4 और 5 और 6 प्लैनेट, ठीक है, अच्छे आ गए आपको मिला, ठीक है। सेकंड प्रिंसिपल वान्या समझ में आ रहा है, तो 6 प्लैनेट आ रहे हैं, मतलब लग्नांश कुंडली का लग्न और दशमी की स्ट्रेंथ को ये स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तीसरा नंबर प्रिंसिपल, लग्न लग्ने दशम दशमेश पे सन मून राहु या चंद्र का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, तो मंगल इसमें लग्नेश ही है और उसके बाद केवल शनि का प्रभाव पड़ रहा है, और किसी का प्रभाव पड़ रहा है, और दशमेश सूर्य है, तो ये ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है इसमें, केवल एक इंप्रेशन आ रहा है कि दशमेश और लग्नेश दोनों मंगल और सूर्य, तो उस प्लेनेट की प्रॉपर्टी उसके साथ में जुड़ जाएगी, बट ऐसा प्रभाव उस पर नहीं दिख रहा है। चलो आगे बढ़ो, अगला प्रिंसिपल, तो नवांश के अंदर शनि लग्न में ही है, 7th हाउस में अच्छे हैं, लग्न को देख भी रहे हैं, और पंचमेश गुरु और धनेश गुरु के साथ में, तो ये शनि अच्छा है, ठीक है, और इसका लग्न पर सीधा इंप्रेशन है, ठीक है। तो ये शनि ने कम समय पे इसलिए नौकरी कराई क्योंकि यहाँ पर तो दिख रहा है कि 6th हाउस में बड़ा स्ट्रांग है, ज़्यादा समय तक नौकरी कराएगा, पर नवांश में जाकर ये सीधे सीधे स्ट्रांग हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल इज व्हाट, दशा ऑलरेडी शनि की चल रही है, हाँ। अब अगर इस नवांश कुंडली के धनियों को अगर अपन देखेंगे तो लाभ स्थान का लॉर्ड लाभ स्थान में ही है और उसका 9th हाउस से संबंध है चंद्रमा से, ठीक है। धन स्थान का लॉर्ड गुरु, वो भी तीसरे और चौथे स्थान के लॉर्ड शनि के साथ में सप्तम स्थान में बैठा है, ठीक है, और गुरु सेकंड हाउस पर लग्नेश की दृष्टि है, बट वो राहु केतु एक्सिस में, तो धन योग अच्छे हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि सेकंड हाउस में राहु केतु भी हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो ये अब इसको और नीचे अगर अपन चलेंगे D10 के अंदर भी तो स्थिति दिखेगी आपको, इससे बेहतर होती हुई या इससे खराब होती हुई। तो दिस इज, हाँ वो नहीं देखा हमने, हाँ क्या इस कुंडली में 9th हाउस में जो है, नवमांश में जो है, हाँ लग्नेश और 6th हाउस लॉर्ड सेम, बट 6th हाउस में उच्च के सूर्य है जो कि दशमेश है, तो दशमेश उच्च का हो गया वहाँ पर 6th हाउस से ज़्यादा, भाई लग्नेश अगर सेम हो गया तो मैं किसको देखूँ, दशमेश को देखूँ फिर, ठीक है। मोटा मोटा आकलन आपको जन्म कुंडली से लग जाएगा, पर कंसीडर मेनली किसको करना, जन्म लग्न, ऑब्वियसली बिना जन्म लग्न के तो कुछ होगा ही नहीं। नवांश में जाकर तो हम अपना एक्यूरेसी को पता लगा रहे हैं, उसको ज़्यादा डेप्थ में जा रहे हैं कि वो जो प्रॉमिस कर रही है जन्म लग्न, वो डिलीवरी होगी कि नहीं होगी, तो और वो किस लेवल, नवांश से नहीं आएगा रिजल्ट, नवांश से भी आएगा, नवांश से एक्चुअल, जैसे मान लो कोई एक बिजनेस है वो दुनिया शहर के अंदर 100 लोग करते हैं, 10 आदमी top 10 में, बाकी 90 अपना नॉर्मल करते हैं, बट वो जब हम जन्म लग्न देखेंगे तो उन 100 लोगों की कुंडली के अंदर उस बिजनेस का योग देखेगा कि नहीं देखेगा, देखेगा ना, कि यार साहब मान लो इंजीनियर है तो 100 लोग इंजीनियर देखेंगे अपने को, तो अभी अपन जब पढ़ेंगे इंजीनियर कैसे बनेगा आदमी, पेंटर कैसे बनेगा, गायक कैसे बनेगा, तो वो 100 लोगों में वो रोल दिखेगा, तो फिर उसका इनकम के अंदर उसकी क्लास के अंदर डिस्क्रिमिनेशन काय से आएगा, 2 चीज़ों से आएगा, धन योग राजयोग से, और वो जो प्लेनेट जो उसको पेंटर बना रहे हैं वो नवांश में क्या कर रहे हैं,
वो कितने स्ट्रांग उस हिसाब से, तो पेंटर तो बनेगा वो 100 या इंजीनियर, तो 100 के 100 इंजीनियर बनेंगे, बट उसका क्वांटम किस तरीके से होगा इसके लिए वेरिफिकेशन की आवश्यकता है, वो नमाज में करते हैं. इफ समबडी विल कम एंड से आइदर आई विल डू बिजनेस और जॉब, यू कैन ईजिली से फ्रॉम द बर्थ चार्ट ऑल्सो. बर्थ चार्ट से कर सकते हो आप, बिजनेस तो करेगा वो. अब बिजनेस का वॉल्यूम क्या होगा वो आपको नवांश और डिटेल में जाते हैं. सर इतने सारे प्रिंसिपल पढ़े हमने, तो हो सकता है जैसे लग्न में 3 हो रहे हो, 2 नहीं हो रहे हो, 4, तो फिर क्या रिजल्ट बोलेंगे? तो हो सकता है उसके ये सारे इधर हो प्लैनेट्स. मुकेश अंबानी तो एक ही है ना, बाकी तो सामान्य बिजनेस ही कर रहे हैं ना. नहीं वो बोले, सो व्हेन यू से बिजनेस इट डजंट मीन दैट यू विल बिकम अ मिलियनर. नहीं नहीं मेरा क्वेश्चन है कि कुछ दो कंडीशंस जॉब की है, दो तीन इस प्रिंसिपल्स में से दो तीन इसकी सेटिस्फाई होगी, दो तीन इसकी सेटिस्फाई होगी, तो फिर उसकी मानसांतरता के हिसाब से वही वो आदमी है ना सबसे ज़्यादा घूम रहे हैं, कि शुरू में नौकरी करते हैं 5 साल, फिर बिजनेस करते हैं, या फिर ज़िंदगी भर बिजनेस करते हैं, बुढ़ापे में जाके नौकरी करने लगते हैं. अच्छा अच्छा ठीक है, ये तो उनके दोनों कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं ना. अच्छा, देखो ये ऐसे जो लोग हैं ना उनमें से कोई भी मल्टी मिलियनर नहीं है, दीज आर नॉट मल्टी मिलियनर पीपल. ऐसे भी लोग हैं, उनके दोनों तीनों कॉम्बिनेशन मिलेंगे, बट वो धन योग कमजोर होगा तभी तो दोनों करने पड़ा है. नहीं तो एक तरफ हो जाता आदमी है कि नहीं, अगर जॉब सेटिस्फाइंग होती तो उसको बिजनेस की जरूरत नहीं है, बिजनेस होता तो जॉब की जरूरत नहीं है उसको. तो दोनों कर रहे हैं वो, कुछ मादशा अंतरदशा का ही फर्क होता है, कि मादशा अंतरदशा मान लो वो किसी ऐसी जॉब में है जहाँ उसको कोई ऊपर से कमाई नहीं हो रही है, बट अच्छे धन योग की मादशा लग गई तो वो कुछ उसको एक्स्ट्रा बिजनेस चालू करा देते हैं, इस तरीके का होता है. यहाँ पे अगर सर शनि का जैसे एक्सचेंज नहीं होता तो फिर वो तो नौकरी वाली बात हो जाती है, नौकरी वाली सरकारी सरकारी क्योंकि सूर्य है उधर. आपने जो उसके बीच में देखी थी मुझे यही देख के बताते हैं, तुम्हें सिखा तो तभी रहूं जब मैं फॉलो करता ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड जज वेदर अ पर्सन, बिकॉज पीपल विल आस्क यू. वही क्वेश्चन सबके मन में सबसे पहला प्रश्न, वो सबसे पहला प्रश्न है धंधा करूं कि नौकरी करूं. ठीक है, इन 4-5 प्रिंसिपल पे आप इजीली अप्लाई करके उसको बता सकते हो धंधा करेगा कि नौकरी करेगा, और ठोक के बता सकते हो, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं. ठीक है, और आप ये भी बता सकते हो कि भाई तू अभी नौकरी करेगा फिर धंधा करेगा, है ना, कि या तू अभी धंधा कर रहा है कल को नौकरी जरूर करेगा. यही बता सकते हो कि शनि अगर उस तरीके के हैं तो कभी ना कभी नौकरी कराते ही हैं, कुछ भी कर लो आप कराएंगे ही कराएंगे. ठीक है, मेरा शनि वक्री मतलब 9th हाउस में है, पड़ चुकी वक्री है इसलिए 8th हाउस में आ जाता है, दशम को देखता है मेरे से, उसने 6 महीने कराई लेकिन कराए. ठीक है, कराई नौकरी, उसका बिजनेस कराया, बट उसने अपना रोल किया, उसने अपना रोल किया और वो रोल जरूर करेगा चाहे कुछ भी हो जाए. जैसे मान लो सौरभ भैया का शनि को केवल एक जुपिटर देख लिया अष्टम का लॉर्ड होकर, तो उसने करा ली नौकरी, उसका KRA हो गया, अपना आगे बढ़ो अब अपना नॉर्मल प्रोसीजर में जाओ. देखो कभी कभी कैसा होता है कि उसको उसका बहुत सारे प्लैनेट जो है लेफ्ट हैंड पर हैं, या बहुत सारे प्लैनेट राइट हैंड पर भी हैं, पर से सपोज शनि या 6th हाउस का लॉर्ड भारी हो गया लगने से, तो वो करता नौकरी है लेकिन वो लीडरशिप रोल में रहता है, CEO वगैरह, जिसमें उसका नौकरी भी बिजनेस जैसा होता है. अच्छा. कि उसको स्टॉक ऑप्शन है, इक्विटी ऑप्शन है, उसको इंसेंटिव है, वो कर रहा है नौकरी क्योंकि शनि जो है इस तरीके के हो गए, या 6th हाउस का लॉर्ड लगने से या दशमेश से स्ट्रांग हो गया, बट ही हैज गॉट अ स्ट्रांग धन योग कर्म राजयोग, तो वो लीडरशिप रोल में करेगा काम, या इस तरीके की नौकरी करेगा व्यापार जैसा है, मान लो इंश्योरेंस बिजनेस जैसा है, सही कर रहा है उसका, उसको जितना काम करता है बिजनेस की तरह पैसा मिलता है ना, वो जो इंश्योरेंस अपने एजेंट होते हैं बिजनेस की तरह पैसा. देखो अपना बिजनेस करने के लिए दोनों चीज़ों की आवश्यकता है ना, लग्नेश और दशमेश दोनों की आवश्यकता है. ठीक है, अगर लग्नेश ही लग्नेश स्ट्रांग और दशमेश स्ट्रांग नहीं है तो पहलवान नहीं करेगा, दिन भर जिम में करेगा.
दसवें तो कर्म का लग्न मतलब दोनों का इक्वल बैलेंस होना चाहिए ना, दैट इज ए गुड बिजनेसमैन नो. आप अच्छे बिजनेसमैन से मिलोगे ना तो वो आपको लगेगा ना पर्सनैलिटी वाइज भी एकदम से अच्छा होगा, भले ही वो शक्ल पे हो सकता है इतना अच्छा नहीं, बट आप बात करो तो आपको लगेगा यार वाकई में बड़ा आदमी है, इसको दिमाग है तब इसने पैसा कमाया है. फिर वो कर्म के अंदर भूत होगा. 90% बिजनेसमैन, 90% के केस के अंदर जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो सबसे पहले आते हैं ऑफिस. लाभ स्थान में बहुत प्लैनेट है, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है. तो वो लग्नेश नवांश में जाके अष्टम में है ना, ठीक है. और आप क्या करती हो? पैसा कैसे कमाया? काम करके. क्या काम? कंसल्टेंसी. अपना काम? हाँ, खुद का. खत्म हो गई बात. वो कौन सा फिनोमेना रहता है जिसमें आपके नाम से बिजनेस करें तो नहीं चलेगा, आप इसके नाम से खोल लो? वो यही फिनोमेना में, वो ये मैं बहुत बोलता हूँ, यही फिनोमेना में जब व्यक्ति आया कुंडली लेकर, साहब मैं ये बिजनेस डाल रहा हूँ, अब मैंने देखा कि इसमें तो लग्नेश में पावर ही नहीं है, या लग्नेश में पावर ही पावर है, धन योग है नहीं, तो फिर वो बोलते भाई तेरे को केवल कर्म का ही काम है, तेरी पत्नी के धन योग ज़्यादा अच्छे हैं, तू उसके नाम से कंपनी खोल ले तो वो चल जाएगी, उसका भाग्य ऐड हो जाएगा. तो उसको पत्नी के नाम पर पैसा आता है, उसको तो काम ही करना था, काम ही कर रहा है. तो उस केस के अंदर, एंड दिस इज द वे आई यूज टू डिस्करेज पीपल ऑल्सो, इफ दे आर इफ द हॉरोस्कोप इज नॉट शोइंग द बिजनेस, कि भाई आपके नाम की जगह आप किसी और के नाम पर, वो उसकी कुंडली में दिखता है कि कोई और है ही नहीं जिसके नाम पर ये कर पाएगा. मान लो पत्नी से उसका इतना ही रोज ही झगड़ा हो रहा है, वो दिख ही रहा है कुंडली में, तो पत्नी के नाम पे तो फेथ कर ही नहीं, ट्रस्ट कर ही नहीं रहा है. और कुछ लोग कर लेते हैं, जैसे मेरा खुद का ही बिजनेस पूरा मेरी पत्नी के नाम पर है, ठीक है. एंड दिस इट वर्क्स, आई हैव सीन इट वर्किंग, आई हैव सीन इट वर्किंग. नौकरी पत्नी के नाम से नहीं कर रहे, वो तो दिखता भी है पत्नी का धनयोग वगैरह, अदरवाइज हम उसको मांगते हैं ना, पत्नी की दे दे, बाप की दे दे, माँ की दे दे, बता किसकी इनमें से, भाई की दे दे, भाई की तो वो हटा देता है भाई. एंड में पत्नी बचती है एक्चुअली. अरे बच्चे भी नहीं. ठीक है, दिस इज लाइक आप इस तरीके से उसके साथ कर सकते हो. Now, what are the best time to do business? What are the best time, lost time in the career? This is our next topic. कि जीवन के अंदर कब करियर में उतार आएगा, कब चढ़ाव आएगा. तो उसको भी देखने के कुछ तरीके हैं. ठीक है, ये जनरली मैंने आज आपको ऐसा लिख दिया है, हम तो डिस्कस करते ही रहते हैं. ठीक है, तो हम जनरली इसको वैसे भी प्रैक्टिकली भी अपन करते ही हैं, बट जस्ट टू मेक यू रिमेंबर, आई जस्ट जॉट इट डाउन कि बिजनेस के अंदर उसका उतार चढ़ाव कब आएंगे. सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वही लग्न लग्नेश दशम दशमेश की स्थिति. ठीक है, अगर इनमें से, और फिर दूसरा हम देखेंगे उसका दशा सीक्वेंस. ठीक है, अगर जो दशा चल रही है इनका संबंध 6-8-12 से है, या 6-8-12 के लॉट से है और कर्म से है, तो वो दशा कर्म के लिए ठीक नहीं होती. ठीक है, उस समय आपके करियर के अंदर जो है वो डाउनफॉल आता है, या करियर जिस रेट पर आप मेहनत करते हो उस रेट पे ग्रो नहीं करता.
अगर दशा का संबंध केंद्र त्रिकोण से है, दशा जो जिसकी महादशा अंतरदशा चल रही है वो प्लैनेट धन योग या राजयोग में है, उस समय आपका बिजनेस या आपका जॉब जो भी है वो उस समय उसको एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक है, ये दो प्रिंसिपल। इसको देखने के लिए पहले लग्न लग्नेश और दशम दशमेश की स्थिति हम देखेंगे कि वो कैसी है। अगर दशमेश या लग्नेश ये एक्चुअली में बहुत पीड़ित है तो वो कुछ भी कर ले वो पूरे जीवन भर वो उस चीज़ को क्रॉस नहीं कर सकता। एवरीबडी डजंट गेट रिच एट द एंड ऑफ द लाइफ बट एवरीबडी वर्क्स, है ना। और बहुत सारे लोग तो बहुत ज़्यादा काम करते हैं हमसे लेकिन वो कभी भी जीवन में ग्रो नहीं कर पाते, एक ही लेवल पर रहते हैं। बहुत सारे माली जी हैं जो जिंदगी भर से आ ही रहे हैं, आ रहे हैं, वो उसी रेट में आ रहे हैं। ठीक है, तो दे आर नॉट ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ पोजिशन, इन टर्म्स ऑफ मनी। वो अपना जीविका, मैक्सिमम लोग तो इसी तरीके के हैं ना। सही, अमीर लोग हैं कितने, चंद मुट्ठी भर है ना, 2-5%, 10% मैक्सिमम अमीर या मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास, 90% तो बिलो। तो वो उसके लिए कि वो ओवरऑल पूरा जिंदगी के अंदर क्या करेगा वो हम देखेंगे, उसका लग्न लग्नेश दशम दशमेश की स्थिति और धनयोग राजयोग, ये तीनों कुंडली में देखेंगे। अगर आप एक कुंडली में अकेले में देख लोगे तो आप मिसगाइड हो जाओगे। ठीक है, स्पेशली लग्न लग्नेश दशम दशमेश, यू हैव टू सीन ऑल थ्री कुंडली, D9 मतलब नवांश एंड D10 दशमांश कुंडली कर्म के हिसाब से। ठीक है, दशमांश कुंडली मतलब दशमांश कुंडली का लग्न लग्नेश, नवांश कुंडली का लग्न लग्नेश, और आप चाहो तो जन्म कुंडली के लग्न लग्नेश और दशम दशमेश को भी इन दोनों कुंडलियों में देख सकते हो कि वो वहाँ पर जाकर क्या कर या उसका पोजीशन कैसा है वहाँ पर। ठीक है, सेकंड इज व्हाट आई सेड, दशा सीक्वेंस। इफ दशा इज रिलेटेड विथ 6-8-12, दशा लॉर्ड इज इनटू 6-8-12 और मे बी इनटू सम अदर नेगेटिव एक्सेस, देन इट इज गोइंग टू हार्म एज पर करियर। इफ इट इज विथ ट्राइन, इफ इट इज इन द ट्राइंगल, इफ इट इज इन द राजयोग धनयोग, देन इट इज गोइंग टू बूस्ट द करियर। थर्ड इज ट्रांजिट, ट्रांजिट स्पेशली फॉर जुपिटर एंड शनि, गुरु और शनि का ट्रांजिट, तो वो उस साल की स्थिति उसके करियर की बताएगा। अगर दशा 6-8-12 से संबंधित चल रही है, दशा अंतरदशा, ऐसे समय में जुपिटर का या और शनि का भी ट्रांजिट अनफेवरेबल है तो भयानक डैमेज आएगा करियर के अंदर। ठीक है, अगर उनमें से हो सकता है कि केवल जुपिटर आपको ब्लेस कर रहे हो, शनि नेगेटिव कर रहे हो, तो बची रहेगी चीज़ें, कुछ डाउनफॉल आएगा। अगर दोनों ने एक संग गलत स्थान पर ट्रांजिट किया तो वो वाले केस होते हैं कि बिजनेस बर्बाद हो गया या नौकरी छूट गई या अच्छा नहीं चल रहा, लॉस चल रहा है या बिजनेस आना कम हो गया, वो जो टाइम है वो सब देखेंगे। ठीक है, तो 3 स्टेप पे हम इसको करेंगे। फर्स्ट इज लग्न लग्नेश दशा दशमेश, देन द दशा सीक्वेंस एंड देन द ट्रांजिट। ठीक है, सो यू कैन ईजिली प्रिडिक्ट व्हेन समबडी विल ग्रो इन करियर। इफ़ द लॉर्ड, इफ द महादशा लॉर्ड इज रिलेटेड विथ 6-8-12, आप उस समय उसको चेता सकते हो, सावधान कर सकते हो कि ये समय इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, अगर वो लॉर्ड के पास दूसरी भी ओनरशिप है उस कुंडली के अंदर, कि मान लो एक केंद्र या एक त्रिकोण की ओनरशिप है, तो वो एवरेजिंग कर देगा उसको, बट अगर ओनली 6-8-12 की ओनरशिप है तो वो उस समय को डैमेज करेगा। ठीक है, यू कैन ईजिली चेक एनीबडी हु इज ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, आपको बिल्कुल देखोगे आपको समझ में आएगा कि केंद्र त्रिकोण की महादशा चल रही है। सर एक होरोस्कोप में जो आप 8 हाउस में 2-4-5 गया लेकिन उसमें अच्छी ग्रो हुई, बिजनेस स्टार्ट करा और हाइट्स देखी 0 से करोड़ का तो एक होरोस्कोप लगा मैडम इसमें आप एक सॉफ्टवेयर डालो डेटा ये समझ में आ गया कि नहीं सर। फर्स्ट पॉइंट पोजीशन ऑफ लग्न लग्नेश से ग्रोथ का कैसे होगा और वो बिजनेस कर ही रहा है, अच्छा बिजनेस। आई एम सेइंग गुड एंड बैड टाइम्स इन करियर, आई एम नॉट सेइंग गुड एंड बैड टाइम्स इन बिजनेस। मतलब ठीक है, थर्ड पॉइंट जो इसमें अलग से मैंने लिखा है, मैंने बोला भी है कि प्लैनेट्स उनकी महादशा अंतरदशा जो उच्च राशि में है, स्वराशि है या फिर नीच राशि में अस्त हैं, उसके हिसाब से पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। उच्च के प्लैनेट हैं, स्वराशि प्लैनेट की महादशा अंतरदशा मिली तो आप ग्रो करोगे, नीच राशि शत्रु राशि या नीच अस्त के अस्त प्लैनेट की महादशा अंतरदशा में
आपका ग्रोथ रुक सकती है या डी ग्रोथ हो सकती है। कब से ग्रो कर रहा है? राहुल महाराष्ट्र से ग्रो मतलब शुरू से राहुल महाराष्ट्र से ही मतलब स्टार्टिंग से ही मतलब स्टार्टिंग से थोड़ा सा वो दिक्कत थी कि अंडरशिप में करी उनके सासू माँ के उसके बाद से उन्होंने खुद का स्कूल डाला तो वो ग्रो हुआ है मतलब 60 बच्चों से 8 बच्चे हुए 1000 बच्चे हुए आज नहीं ईयर बता ना ईयर एग्जैक्ट ईयर तो ठीक है राहू की महाशय इनकी स्टार्ट हुई थी 1994 में इन्होंने जो ग्रो करी है वो करा है 2000-2001 में गुरु की महाशय राहू में बुध गुरु तो टाइम ठीक है तो तू बता क्यों किया करो ना बता किसका प्रभाव है और लग्नेश जो है गुरु वो चंद्र के साथ ये एक्चुअली कुछ इस तरीके के स्पेशल केस भी आएंगे आपके पास पहले भी स्पेशल केस ही आया दिस इज अ स्पेशल केस राहु अष्टम में और तीन प्लेनेट होंगे ना अष्टम में रहा हूँ हाँ भाई सर लग्न तो ब्लैंक है लग्नेश की हम बात करें तो लग्नेश गुरु है यहाँ पर जो कि साथ में है पंचमेश के साथ में क्योंकि अच्छे लॉर्डशिप है शनि के साथ और दोनों की मित्र भी है गुरु और देख रहे सामने से शुक्र को शुक्र की लॉर्डशिप है वो तो खुद ही अपने भाव को देख रहे हैं शुक्र अष्टम होके भी देख लेना क्या शुक्र जो है अष्टमेश भी होगा इनका पेरेंटल बिजनेस है नहीं खुद का बिजनेस है फिर नौकरी क्यों नहीं करेगा फिर वो भी देख सकते हैं बता ना सिक्स हाउस का लॉर्ड नीच का है देखो अब सबसे पहले लग्न लग्नेश देखें अपन तो दशमेश ठीक है तो लग्नेश और दशमेश एक ही प्लेनेट है गुरु जो कि थर्ड हाउस में बैठकर नाइन्थ हाउस इलेवंथ हाउस और सेवंथ हाउस को देखते हैं और गज केसरी योग में है ठीक है गुरु पंचमेश चंद्रमा के साथ गज केसरी योग में उच्च के चंद्रमा के साथ ठीक है अब राहु की महादशा में क्यों ग्रो किया अगर आप केवल मैं सीधे पॉइंट पे आ जाऊं तो राहु कहाँ है किसकी राशि में शुक्र कहाँ है उसको कौन देखता है ठीक है दशमेश गुरु लग्नेश दशमेश गुरु शुक्र को देखते हैं उस शुक्र को जो कि तीसरे हाउस का लॉर्ड है और अष्टमेश ठीक है फिर शुक्र का मंगल से एक्सचेंज है क्या है ठीक है मंगल कौन है मंगल धन स्थान का स्वामी और नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है धन स्थान का स्वामी अष्टम स्थान में बैठ के शुक्र के साथ में एक्सचेंज कर रहा है ठीक है जो कि आकस्मिक धन योग की स्थिति दिखाता है धन स्थान का लॉर्ड अष्टम में उससे शुक्र ने एक्सचेंज किया ठीक है उस शुक्र ने जो कि राहु का लॉर्ड है ठीक है ठीक है रियल ग्रोथ जो है रियल ग्रोथ मस्ट हैव स्टार्टेड इन जुपिटर्स महादशा 2012 में स्टार्ट
क्योंकि अब इसको गज केसरी का फुल, अभी केवल इसको गज केसरी का वो इम्पैक्ट मिल रहा है कि गुरु चंद्र गज केसरी में होकर वो शुक्र को देख रहे हैं जो कि राहु का लॉर्ड है। देखो जैसे ही राहु पिक्चर में आएगा तो राहु का लॉर्ड कौन है, वो कहाँ बैठा है, वो क्या कर रहा है, वो सबसे पहले देखना पड़ेगा आपको। मैं हमेशा पिछले चार क्लास से यही बात कह रहा हूँ, जैसे ही राहु, जैसे ही राहु आए उस किसके घर में बैठा है वो आदमी क्या कर रहा है, क्योंकि राहु का रिजल्ट उस पर आएगा ना, राहु की खुद की राशि है नहीं, जिसके साथ बैठे वैसा हो जाएगा। ठीक है, राहु यहां पर जैसे इनके साथ जो दो चार झुंड के साथ बैठा है वो नहीं, हमें तो वो देखना है किसकी राशि में बैठा है, वो कहां बैठा है उसको कौन देखेगा। नहीं वो दो चार झुंड में भी देखो ना कौन कौन है, सर जैसे यहां पे षष्ठेज भी उसमें गया है साहब, वो विपरीत राजयोग पे नीच राशि में भी कोई भी विपरीत राजयोग में तो है, षष्ठेश और अष्टमेश अगर नीच राशि के हो तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कम होता है, 6-8-12 के लॉर्ड अगर नीच के हो तो नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करते हैं। ठीक है, और वो विपरीत, अभी आप ग्रोथ पे कैसे होगा, बिना राजयोग के तो ग्रोथ नहीं होगी, बिना धनयोग के ग्रोथ नहीं होगी। तो बुध जो है वो 4th हाउस 7th हाउस का लॉर्ड है, मंगल 9th हाउस का लॉर्ड है, धनस्थान का लॉर्ड है, उसके साथ कौन बैठा, सूर्य जो विपरीत राजयोग में 6th हाउस का लॉर्ड होकर, ठीक है, और राहु, राहु का संबंध इन तीनों प्लैनेट जो केंद्र कोण में राजयोग में उससे हो गया, और उसके लॉर्ड का एक्सचेंज धनेश और भाग्येश मंगल से हो गया। दो मित्र हैं, दो शत्रु बैठे हैं, और बिजनेस गुरु से संबंधित ही होगा क्योंकि लग्नेश भी गुरु है, फिर गुरु चंद्रमा के साथ है जो कि एजुकेशन के कारक है, चंद्रमा बच्चों की एजुकेशन, ठीक है, और फिर उसका संबंध 9th हाउस से है जो कि स्कूल शिक्षा, शिक्षा का संबंध है, ठीक है, और चंद्रमा पंचमेश है शिक्षा का स्थान, ठीक है, और गुरु और शुक्र दोनों गुरु हैं, स्कूल खोल दिया, ठीक है, दोनों गुरु है ना। लाभ स्थान का लॉर्ड होकर लाभ को देखता है, बट 5th हाउस का लॉर्ड उच्च का है, अरे 5th हाउस का लॉर्ड उच्च का है मतलब लास्ट बर्थ का कर्मा स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड इट इज विद जुपिटर, सच अ स्ट्रॉन्ग कर्मा। सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता यार, पंचमेश उच्च का है गुरु के साथ, गज केसरी मतलब पंचमेश को कितना सब, अपन ने जितने धनयोग देखे सबसे पहले क्या पंचम से ही देखे ना अपन ने, जब मैंने धनयोग राजयोग पढ़ाए थे, तो पंचम का लॉर्ड अगर उच्च का है और पंचम का लॉर्ड नीच का है अगर, और उसका नीच भंग नहीं है तो कुछ भी करते रहे आदमी। हाँ, आई सॉ ए हॉरोस्कोप डे फॉर यस्टरडे, उसका शनि मंगल पंचम की दृष्टि, पंचमेश नीच का, ठीक है, नवांश में पंचम पे अच्छे इंप्रेशन थे, लग्न कुंडली में ऐसा था, वो आदमी आईआईएम से पास आउट, स्टिल कर्जे में और पाई पाई के लिए बहुत आज, ये स्थिति पंचमेश अगर ऐसा हो जाए तो सब कुछ अच्छा होते हुए भी पिछले जन्म के कर्म आड़े आ जाएंगे, बहुत लोग होते हैं ऐसे, तो मतलब सोनू सूद अंदर हो गया। किस कारण हो गया, वो एक उसकी बाई ने आरोप लगा दिया उसके ऊपर, विच वॉज एक्चुअली ए नॉनसेंस आरोप, मस्ट बी ए नॉनसेंस आरोप, मतलब झूठा आरोप होगा, लेकिन क्या हुआ अंदर चला गया इस चक्कर, ये लड़का जिसको तू आज बता रहा है एक बच्चे को लपड़ मार दिया, प्यार से मारा होगा, सुधारने के लिए मारा होगा, अंदर चला गया। इसलिए 5th हाउस मैं बार बार रिपीट भी करता हूँ, 5th हाउस को देखो, 5th हाउस को देखो, क्योंकि 5th हाउस के पास ही है कुंजी कि लाइफ चलेगा कैसे, ठीक है। तो ये इसमें कोई दो मत नहीं है कि ये डिफ़िकल्ट है हॉरोस्कोप, हाँ थोड़ा डिफिकल्ट, क्योंकि राहु अगर इतने सारे प्लैनेट के साथ में आ जाता है तो फिर वो नए एस्ट्रोलॉजर या एक बार के उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, ठीक है।
तो डिफिकल्ट तो है उसको, कोई बात नहीं। हाँ, राहु जहाँ बैठा है तो राहु की महादशा में उसका लॉर्ड जहाँ बैठा वहाँ के रिजल्ट भी आएंगे, उसके भी रिजल्ट आएंगे 100% ही आएंगे। ठीक, और राहु जहाँ बैठा है वहाँ के भी आएंगे, दो जगह के उसके पास। ठीक, इनके परिवार में किसी ने स्कूल नहीं चलाया होगा ना इससे पहले? ये अष्टम का राहु कराता है। हाँ नहीं, अब तो जुपिटर की महादशा है तो कोई बात ही नहीं। हाँ, तो बिल्कुल राहु ने इनको इतना दिया था, आश्चर्य होता क्या। तो राहु जब भी आ जाए गेम में, सबसे पहले उसका लॉर्ड देख लेना, अगर वो लॉर्ड सेफ है तो राहु जो दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता। लॉर्ड अगर पिटा है तो राहु सड़क पर ला देगा।